हेलो एवरीवन वेलकम टू श्रेष्ठ एकेडमी कैसे हैं आप सब सो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट टू इसका पार्ट वन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं सो आज हम स्टार्ट करेंगे वॉट आर इरेशनल नंबर सो एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू where p and q are integers and q is not equal to 0 then it will be what it will be an irrational number so for example if we talk about root 2 and root 3 so these two numbers are what these are irrational number similarly if i take example of root 7 and if i take the example of pi so this is also an irrational number now your question can be वट अबाउट रूट फोर एंड रूट नाइन आर दे इेशनल सो नो दे आर नॉट अरेशनल बाई दे आर नाट ए रेशनल सी अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो रूट फोर सॉल्व हो सकता है अगर हम इसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा टू सिमिलरली इसका वैल्यू क्या आ सकता है थ्री आ सकता है मीन ऑन सिंप्लीफाइंग वी कैन गेट अ रेशनल नंबर राइट सो दिस इज़ अ रेशनल नंबर ऑन सिंप्लीफाइंग इट मीन्स रूट फोर क्या होगा रूट फोर आपका रेशनल नंबर होगा नॉट एन इरेशनल नंबर ओके सो नाउ लेट इज स्टार्ट हाउ टू प्लॉट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन सो अगेन देर आर टू मैथड्स बाय विच यू कैन प्लॉट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन सो द फर्स्ट मैथड विच यू कैन यूज इज़ पाइथागोरस स्ट्रेंगुलर मैथड एंड द नेक्स्ट मैथड विच यू कैन यूज इज सेमी सर्कल मैथड ओके सो हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम पाइथागोरस ट्राइंगर मेथड डिस्कस करते हैं तो जैसे कि आप इसका नेम देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है पाइथागोरस ट्राइंगोर मेथड इसका मतलब है इसे समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है राइट right? इस मेथड में हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर प्लॉट करेंगे ओके okay? अब कैसे कर सकते हैं उसके लिए थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम रिवाइज़ करेंगे सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि सपोज इफ ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल सो व्हाट वी कैन से दिस ए सी विल बी व्हाट दिस ए सी विल बी द हाइपोटेनस नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस

मार्क पॉइंट बी सच that ob is इज इक्वल 1 वन यूनिट नाउ we वी आर टेकिंग दिस as 1 unit वन यूनिट देखिए अगर आप रूट टू को केयरफुली देखेंगे तो रूट टू क्या है रूट टू इज वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर राइट अब अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ हाईपीटेनिस इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका मतलब है अगर आपने परपेंडिकुलर वन यूनिट लिया इवन बेस क्या लिया वन यूनिट लिया तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं ये हाइपोटेनस क्या आ जाएगा रूट टू राइट कैसे आएगा वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इज़ इक्वल टू टू फिर क्या करेंगे रूट टू तो क्या आ जाएगा रूट टू तो रूट टू ये क्या हो गया हमारा वैल्यू जो कि हमें प्लॉट करना है अब इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे एक ट्राइंगल बनाने का ट्राई करेंगे ऑन नंबर लाइन ओके तो आपको करना क्या है आपको सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है ऑन नंबर लाइन सो सबसे पहले स्टेप वन विल बी वॉट जस्ट मार्क अट अ पॉइंट ओ मार्क अ पॉइंट बी सच दैट ओ बी इज इक्वल टू वन यूनिट नेक्स्ट क्या करेंगे विद द सेम लेंथ ओ बी ओके विद द सेम लेंथ ओ बी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन

इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे विद एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क ओके नेक्स्ट बाय टेकिंग दिस एज सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ वन मोर आर्क अगेन टेकिंग दिस एज सेंटर ड्रॉ वन मोर आर्क आप क्या करेंगे अगेन टेकिंग दिस टू एज सेंटर जस्ट ड्रॉ टू आर्क लाइक दिस सो पॉइंट आप क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो ये जो लाइन आएगा वो क्या आएगा 90 डिग्री एंगल ओके तो इसी तरह से आप क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे फर्स्ट ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर बी देन टेकिंग दिस पॉइंट एज सेंटर ड्रॉ वन आर्क है नाउ आफ्टर टेकिंग दिस एज सेंटर ड्रॉ वन आर्क हैर नाउ टेकिंग दिस टू एज सेंटर ड्रॉ टू आर्क हैर एंड देन जॉइन दी लाइन ओके सो दिस इज़ हाउ यू विल गेट 90 डिग्री एंगल अब अगर आपको 90 डिग्री एंगल मिल गया है तो क्या करेंगे तो वन यूनिट का आर्क लगाएंगे क्योंकि आपको क्या चाहिए परपेंडिकुलर वन यूनिट चाहिए तो आपको क्या मिल गया पॉइंट सी नेक्स्ट क्या करना है आप नेक्स्ट हमें ओ सी ज्वाइन करना है क्योंकि आपको क्या चाहिए आपको तो हाइपोटेनस चाहिए तो हमने क्या ज्वाइन किया दिस साइड ओ सी ओके अब क्या करेंगे ये जो ओ सी है वो क्या है रूट टू विच इज़ आर रिक्वायर्ड वैल्यू हमें रूट टू ही प्लॉट करना है राइट right? बट ये क्या नंबर लाइन पर है नहीं राइट right? तो अब क्या करना पड़ेगा इसको हमें इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करना पड़ेगा तो नंबर लाइन पे ड्रा करने के लिए क्या करेंगे टेक ओ एस सेंटर ओके सो टेक ओ एस सेंटर एंड ओ सी इज रेडियस ड्रॉ वन आर्क लाइक दिस ओके सो इट विल कट एट सम पॉइंट ओके तो ये क्या करेगी इस लाइन को कट एट एडी सो ये जो ओ डी है वो क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड लेंथ दैट इज रूट टू सो दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट एन इरेशनल नंबर और नंबर लाइन सी स्टेप्स बहुत ही ईजी है फर्स्ट क्या करना है जस्ट टेक अ पॉइंट बी फॉर वन यूनिट ओके देन एट बी मेक 90 डिग्री एंगल और ये जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे उसी वो भी कितना होगा वन यूनिट क्योंकि आपको पेंडिकुलर और बेस दोनों ही क्या चाहिए दोनों ही वन यूनिट चाहिए राइट एंड देन जॉइन दिस ओ ओके सो इफ़ यू विल जॉइन दिस ओ ये क्या है क्या रूट टू बट ये रूट टू क्या है आपको नंबर लाइन पर चाहिए तो नंबर लाइन पर करने के लिए हम क्या कर देंगे ओ सी रेडियस लेके एक आग ड्रॉ कर देंगे जिससे ये नंबर लाइन पर डीपर कट करेगा दैट इज़ वाई ओ डी विल बी वॉट ओडी विल बी रूट टू ओके सो रूट टू तो ईजी था नाउ वी विल ट्राई टू प्लॉट सम अदर इेशनल नंबर ओके सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी वॉन्ट टू प्लॉट रूट फाइव अब इस केस में हम पैंडिकुलर क्या लेंगे बेस क्या लेंगे ये एक डाउट है राइट तो सबसे पहले इसको स्प्लिट करने का ट्राई करेंगे तो क्या हम इसे सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं तो यस, वी कैन राइट दिस एज वन प्लस फोर सो वन प्लस फोर है क्या एक्चुअल में वन प्लस फोर इज़ वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इसका मतलब अगर आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से कंपेयर करेंगे तो h इज़ इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सो ऑन कंपेयरिंग वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ पी एस वन यूनिट एंड बी एस टू यूनिट अब तो क्वेश्चन इजी हो रहा है क्या करेंगे अगेन ड्रॉ द नंबर लाइन ओके सो वील मेक अ नंबर लाइन नेक्स्ट मार्क अ पॉइंट ओ देन अब यहाँ बेस आपको दिया है टू यूनिट राइट अगर ये वन यूनिट है तो हमें क्या लेना है टू यूनिट ओके सो आपका इस क्वेश्चन में बेस क्या होगा टू यूनिट ओके सो दिस विल बी द बेस ओके नेक्स्ट क्या करना है

एंड देन यू कैन जस्ट ज्वाइन द लाइन लाइक दिस ओके तो ये क्या आ गया आपका नाइन्टी डिग्री एंगल आ गया टेकिंग बी ए सेंटर ड्रॉ वन आर्क ऑफ वन यूनिट ओके okay? वन यूनिट कितना मेजा करेंगे आप इस चीज़ को मेजा करेंगे ओके okay? नेक्स्ट क्या करना है हाइपिटेनिस ड्रॉ करना है तो हाइपी टेनिस विल बी दिस तो ये जो आया आपका दिस इज पॉइंट सी तो ये जो लेंथ आई ओ सी वो क्या हो जाएगी रूट फाइव बट हमें ये रूट फाइव चाहिए कहाँ और नंबर लाइन तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे लास्ट में जस्ट टेक ओ सी एज रेडियस एंड ओ एज सेंटर ड्रा वन आर्क लाइक दिस ओके सो इट विल कट द नंबर लाइन एट सम पॉइंट सो दिस पॉइंट इज टी सो दिस इज हाउ ओ डी विल बी रूट फाइव ओके सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इरेशनल नंबर नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो नेक्स्ट लेटस ट्राई सम अदर क्वेश्चन ओके सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जो था फाइव उसको हमने इजीली क्या लिख लिया था वन प्लस फोर दैट इज समय बट क्या हम रूट थ्री को ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं वन प्लस टू बट टू इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर राइट तो अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में देखिए तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे आपको वन और रूट टू यूज करना है राइट right? तो so इसको क्या लिख सकते हैं वन स्क्वायर उसको क्या लिख सकते हैं रूट टू स्क्वायर इट मीन्स अब आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है सबसे पहले हम रूट टू ड्रॉ करेंगे उसकी हेल्प से हम रूट थ्री ड्रॉ करेंगे राइट right? सबसे पहले रूट टू उसकी हेल्प से रूट थ्री तो यहाँ अगर हम पोपेंडिकुलर देखेंगे तो पोपेंडिकुलर इज वन यूनिट बेस इज रूट टू यूनिट सो सबसे पहले लेट इस ड्रॉ रूट टू स्टेप्स क्या थे जस्ट मेक अ नंबर लाइन देन क्या करना है माँ का पॉइंट ओ अब रूट टू के लिए आप इसको कैसे स्प्लिट करेंगे रूट टू को वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं राइट इसका मतलब है बेस और पोपरेंडिकुलर दोनों ही क्या होगा वन यूनिट इसका मतलब है हम यहाँ वन यूनिट लेंथ लेंगे राइट सो so, ये क्या हुआ पॉइंट पी ओके दैट इज ऑफ वन यूनिट सो ओ बी इज ऑफ वन यूनिट नेक्स्ट क्या करेंगे आपको भीप अप और पेंडिकुलर ड्रॉ करना है राइट सो भीप अपडिकुलर ड्रा किया एंड द्रिश शुड ऑल्सो बी ऑफ वन यूनिट ओके नेक्स्ट क्या करेंगे जॉइन ओ सी अब क्या करना है ओ सी ज्वाइन करने के बाद ये क्या आ गया रूट टू अब ये रूट थ्री के लिए क्या होगा रूट थ्री के लिए बेस होगा तो अगर ये बेस है ओके okay, तो आपको यहाँ नाइन्टी डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा राइट right? तो इसको बेस लेते हुए हम क्या बनाएंगे नाइन्टी डिग्री एंगल सो विद द हेल्प ऑफ सी वील जस्ट ट्राई टू मेक नाइन्टी डिग्री एंगल सो वील जस्ट मेक अ राइटी डिग्री एंगल लाइक दिस ओके अगेन स्टेप्स विल बी सेम आपको क्या करना है एक आर्ग ड्रॉ करना है देन सिक्सटी डिग्री देन वन ट्वेंटी डिग्री फिर उसका एंगल बाई सेक्टर एंड देन वी विल गेट दिस नाइन्टी डिग्री एंगल ओके तो ये क्या हुआ आपका पांडिकुलर of one unit, okay? अगेन क्योंकि हमने क्या लिया है one unit. Next, ये point क्या आया Let's take this point as D. तो अगर हम ओ डी ज्वाइन करेंगे तो ओ डी क्या आएगा ओ डी विल बी द रिक्वायर्ड लेंथ दैट इज रूट थ्री आपको रूट थ्री चाहिए था बट क्वेश्चन में क्या है रूट थ्री नंबर लाइन पर प्लॉट करना है तो क्या करेंगे आप इसको टेकिंग ओ एस सेंटर एंड ओ डी एस रेडियस वी विल ट्राई टू मेक वन आर्क ओके सो वी विल मेक वन आर्क इट विल इंटरसेकट द नंबर लाइन एट सम पॉइंट ओके एंड लेट्स टेक दिस एस पॉइंट ई सो दिस ओ ई विल बी वॉट दिस ओ ई विल बी रूट थ्री यूनिट ना वन मोर थिंग सपोज आपको रूट फोर रूट फाइव विद द हेल्प ऑफ दिस ही ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे बस वन वन यूनिट इसको बढ़ाते जाएंगे आगे अगर आपको रूट फोर ड्रा करना है तो क्या कर सकते हैं अगेन वन यूनिट लेके इसको ज्वाइन करके रूट फोर ड्रॉ कर सकते हैं इसकी हेल्प से हम रूट फाइव भी ड्रा कर सकते हैं रूट फोर को बेस ले वन यूनिट ले आप रूट फाइव ड्रा कर सकते हैं बट रूट फोर अगेन क्या है रूट फोर इज़ अ रेशनल नंबर राइट सो इसको तो हम डायरेक्ट भी प्लॉट कर सकते हैं ओके okay? येस सो ना लेट एस लर्न अबाउट दि सेमी सर्कल मैथड ओके सपोज आपको रूट एक्स ड्रॉ करना है ऑन नंबर लाइन सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क् द डिस्टेंस एक्स यूनिट फ्रॉम ए ऑन द लाइन सो दैट ई बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट सो आप फर्स्ट स्टेप में करेंगे क्या सपोज आपको ड्रा करने के लिए बोला है रूट सिक्स पॉइंट फाइव ओके तो क्या करेंगे आप सिक्स पॉइंट फाइव यूनिट का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट फिर हमें B से एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है अप टू C, सो so दैट BC सी इज इक्वल टू वट बी सी इज इक्वल टू वन यूनिट नेक्स्ट आप क्या करेंगे ये जो AC आपके पास आया है राइट विद द हेल्प ऑफ दिस AC, सी वी विल ट्राई टू ड्रॉ वन सेमी सर्कल बट ये सेमी सर्कल ड्रॉ कैसे करेंगे सबसे पहले वी नीड अ सेंटर राइट अब इस सेंटर पॉइंट के लिए आप क्या कर सकते हैं जस्ट ड्रॉ अप पैंडिकुलर बाई सेक्टर हाउ टू ड्रॉ दर्पर बाई सेक्टर सो क्या करना है टेक ए एस सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ दिस लाइन ए सी ओके क्या करेंगे एंड ड्रा वन आर्ग हेयर सिमिलरली टेकिंग सी एस सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रा वन आक हेयर एंड ड्रा वन आग हेयर सो यू विल सी दिस टू आर्ग विल इंटरसेक्ट इच अदर इसका मतलब है वी विल गेट टू पॉइंट अब क्या कर सकते हैं इन टू पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे सो दिस विल बी वॉट दिस विल बी द दर्पेंडिकुलर बाईसेक्टर अब ये जो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है इस लाइन को ओ पर बाईसेक करेगी राइट तो ये ओ क्या हो गया ओ विल बी द सेंटर पॉइंट राइट तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा विद ओ सी एज रेडियस एंड ओ एज सेंटर ड्रॉ वन सेमी सर्कल अब इसके बाद क्या करना है देखिए फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ अ पोपेंडिकुलर जब आप ये पोपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका सेमी सर्कल को एक पॉइंट पे कट करेगा राइट दिस बी डी विल बी वॉट दिस बी डी विल बी रूट एक्स ओके जो कि आपको चाहिए था बट अगेन ये क्या है नंबर लाइन पर नहीं है हम क्या करेंगे टेकिंग बी एस सेंटर एंड बी डी एस रेडियस वी विल जस्ट मेक वन आर्क ओके तो आपको क्या करना है बस एक आर्क ड्रॉ करनी है विच विल कट दिस लाइन एट सम पॉइंट सो ये जो आपको बी ई दिख रहा है सो दिस बी ई विल बी द रिक्वायर्ड लेंथ ओके सो इस मेथड में हमने किया क्या सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए बी ऑफ एक्स यूनिट उसके बाद वन यूनिट और ड्रा किया बी सी राइट इसके बाद हमने एक सेमी सर्कल ड्रा किया राइट right? कैसे ड्रा किया सेमी सर्कल विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटर पॉइंट ओ ओके नेक्स्ट क्या करेंगे एट बी वी विल ड्रॉ वन पोपेंडिकुलर राइट सो बी पर अगर पोपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी डी विल इंटरसेक्ट दिस सेमी सर्कल एट डी ओके तो ये जो बी डी है वही क्या है रूट एक्स जो कि आपको प्लॉट करना था बट अभी हमें इसे क्या करना है नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे एक और आर्क ड्रॉ करेंगे राइट right? सो so, इस तरह से आपका ये जो बी ई है वो क्या आ जाएगा दिस बी ई विल बी द रिक्वायर्ड रूट एक्स ओके सो आई होप आप लोगों को सारे स्टेप समझ आ गए हैं कि हमें करना क्या है रूट एक्स प्लॉट करने के लिए बट यू माइट हैव वन क्वेश्चन कि वाई वी आर मेकिंग अ सेमी सर्कल वाई वी आर इंक्रीजिंग इट बाई वन यूनिट ऐसा क्यों कर रहे हैं राइट right? तो इसका एक रीज़न है अगर आप इस डायग्राम को केयरफुली देखेंगे तो ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल तो अगर मैं इन सब की लेंथ कैलकुलेट करूं तो ओ डी क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई टू ओके एक्स प्लस वन बाई टू क्यों क्योंकि ए सी आपका क्या दिया हुआ है एक्स प्लस वन ए सी अगर एक्स प्लस वन है तो ओ डी और ओ सी क्या हो जाएंगे एक्स प्लस वन बाई टू दैट इज हाफ ऑफ इट ओके नेक्स्ट अगर मैं ओ बी कैलकुलेट करूँ तो ओ बी क्या होगा तो ओ बी के लिए अगर आप देखेंगे ओ बी क्या है ओ सी माइनस बी सी इसका मतलब है एक्स प्लस वन बाई टू माइनस वन यूनिट इसको क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वन बाई टू राइट अब अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा दिस पी डी स्क्वायर विल बी ओ डी स्क्वा माइनस ओ बी स्क्वायर तो ओ डी स्क्वायर क्या है एक्स प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर राइट ओ बी स्क्वायर क्या है एक्स माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर अब अगर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बाय फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन बाई फोर अब अगर इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा फोर एक्स बाय फोर दैट इज़ एक्स इसका मतलब बी डी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स चाहिए क्या बी डी सो बी डी क्या आएगा अंडर रूट एक्स सो इस तरह से बी डी का वैल्यू क्या आ जाएगा रूट एक्स राइट तो यही हमें प्लॉट करना था रूट एक्स ओके इसीलिए हम क्या करेंगे वन हमेशा वन यूनिट ड्रॉ करेंगे ओके सो लेट अस ट्राई टू यूज ऑल दी स्टेप्स ऑन वन क्वेश्चन ओके तो क्वेश्चन इज प्लॉट अंडर रूट फोर पॉइंट फाइव ऑन नंबर लाइन अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या हम पाइथागोरस ट्रायंगलर मेथड से सॉल्व कर सकते थे नो no, राइट right? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सेमी सर्कल मेथड यूज़ कर सकते हैं तो सेमी सर्कल मेथड में क्या है जस्ट ड्रॉ दी लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ फोर पॉइंट फाइव यूनिट ओके नेक्स्ट क्या करेंगे सेम ड्रॉ वन मोर यूनिट ओके आपने क्या किया आपने क्या किया वन यूनिट ड्रॉ किया सो दिस बी सी विल बी वॉट वन यूनिट अब क्या करना है पर पेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रा करना है तो टेक ए एस सेंटर एंड मोर देन हाफ ऑफ दिस ए सी ड्रा वन आक है वन आक है सिमिलरली टेकिंग सी एस सेंटर ड्रॉ वन आखेयर एंड ड्रॉ वन आक है सो जस्ट जॉइन दिज पॉइंट्स ओके सो ये क्या है आपका ये जो पॉइंट है ओ वो क्या हुआ सेंटर फॉर दैमी सर्कल तो अब विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट ओ एंड रेडियज ओ सी ड्रॉ अ सेमी सर्कल लाइक दिस अब नेक्स्ट क्या करना है एट बी यू हैव टू ड्रा वन पर पेंडिकुलर तो बी पे हम एक पर पेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओके इसको कैसे ड्रॉ करना है विथ ऑल दो स्टेप विच हैव टोल यू ओके तो ये पर पेंडिकुलर ड्रा हुआ तो ये जो परपैंडिकुलर है सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वो क्या हो जाएगा आपका पॉइंट डी सो ये जो बी डी है दिस बी डी विल बी द रिक्वायर अंडर रूट फोर पॉइंट फाइव बट अब इसे हमें इस लाइन पर ड्रॉ करना है राइट तो क्या करेंगे इसको पहले एक्सटेंड किया राइट टेकिंग बी एस सेंटर एंड दिस बी डी एस रेडियस ड्रा वन आर्क ओके सो ये जो आँख जहाँ कट करेगा सो दिस पॉइंट विल बी ए सो दिस बी विल बी अंडर रूट फोर पॉइंट फाइव सो दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट एन ए रेशनल नंबर यूजिंग सेमी सर्कल मैथड सो आई होप मैंने जो आपको आज एक्सप्लेन किया आपको समझ आया होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब